नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रति उत्थान काल में आज हम पढ़ेंगे निबंध के बारे में। उससे पहले मैं सभी जो भी मेरा चैनल देखती हैं, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देखने में देते हैं, और जो भी ऐसे लोग हैं जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देके मुझे इतना सम्मान देते हैं, इतना प्रोत्साहित करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का नाम मैं पूरे एक अलग वीडियो में जरूर से बताऊंगी। आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स ने मुझे अंदर से बड़ी शक्ति प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आप सभी का। मैं अभी तो आपको सिर्फ यहाँ पर अभी अपने चैनल पे तथ्य ही एक तरह से प्रोवाइड कराती हूँ जो कुछ है, लेकिन अभी मैंने अपने जीवन से कुछ प्रॉमिस कर रखे हैं, कुछ कर्तव्य हैं जिनका जो मुझे पूरे करने हैं और जिसमें मुझे लगभग अभी साल भर का समय लग जाएगा, और मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ कि उसके बाद मैं हिंदी को व्यवस्थित रूप से आपके सामने लेकर आऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि जब आपके जीवन की दिशा निर्धारित हो। चलिए, ये तो हो गई बात की बात, अभी हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। निबंध। विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में चार करे, जिनकी ही अधिक आवश्यकता है उतने ही कम वे हमारे सामने आ रहे। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब से विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा क्रम में हिंदी साहित्य का समावेश हुआ, आपको आपने पढ़ा होगा श्याम सुंदर दास जी के, उससे उन्होंने सबसे पहले इसको शुरू किया था। तो जब उच्च शिक्षा में हिंदी साहित्य का समावेश हो गया तो उच्च शिक्षा के लिए उत्कृष्ट निबंध, ऐसे निबंध जिनकी असाधारण शैली, जिसमें जो विचार हो, विचारधारा हो, गहन हो, पाठकों के मन जो मानसिक श्रम साध्य हो, जिसको वो समझें, आनंद लें, ऐसी नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े, ऐसे निबंधों की जितनी ज्यादा आवश्यकता थी उतने ही वे कम हमारे सामने आ रहे। निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी, वह प्राय वही स्थिति वर्तमान काल में भी बनी हुई है। अर्थ वैचित्र और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ, वैसा निबंध के क्षेत्र में देखने में नहीं आ रहा है। तो उसका बहुत उपयुक्त स्थान। यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़े तो काव्यात्मक गद्य प्रबंधों की। शुक्ल जी कह रहे हैं कि यदि कोई नई गतिविधि गद्य के रूप में कोई नई गतिविधि इस काल में दिखाई पड़ी तो वो क्या दिखाई पड़ी? काव्यात्मक गद्य प्रबंधों के रूप में। पहले तो बंग भाषा के उद्भान प्रेम चंद्रशेखर मुखोपाध्याय कृत उद्भ्रांत प्रेम को देखकर कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की ओर झुके। पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियां और उद्भ्रांत प्रेम की विच्छेद शैली पर देखती है। ठीक है, कई जगह पर थोड़ी सी जो भाषा होती है उसकी वो क्लिष्ट हो जाती है, जिसमें भावावेश द्वितीय द्योतित करने के लिए भाषा बीच बीच में असंबद्ध अर्थात उखड़ी हुई होती थी। मतलब भावावेश जब उसमें दिखाना होता था तो भाषा कहीं कहीं असंबद्ध हो जाती थी। कुछ दिनों तक तो उस शैली पर प्रेमोद्गार के रूप में पत्र पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध आदि उन्हें प्रबंध कह सके निकले, जिनमें भावुकता की झलक यहाँ से वहां तक रहती थी। पीछे श्री चतुर सयन शास्त्री के अंतस्थल में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की
प्रबल व्यंजना अलग अलग प्रवृत्ति में की गई, जिसमें कुछ दूर तक ढंग पर चलती धारा के बीच आपका प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता है। इस प्रकार इन प्रबंधों की भाषा तरंगवती धारा के रूप में चली, अर्थात उस धारा में उसमें धारा और तरंग दोनों का योग। ये लाइन यहाँ पर थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जा रही है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि किसने कही। ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटरों की रंगभूमि के भाषणों के से प्रतीत होते हैं। मतलब इनको देखकर ये लगता है, ये गद्य ऐसे लगते हैं जैसे बंगाली थिएटर की रंगभूमि के में भाषण दिए जा रहे हो, उसके डायलॉग्स हो, उसके जो है ना पीछे रविन्द्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुक्त आध्यात्मिकता का रंग लिए, जिस भावनात्मक गद्य का चलन हुआ वह विशेष अलंकृत होकर अन्योत पद्धति पर चला, है ना। बाबू रविन्द्रनाथ के प्रभाव से जो रहस्योन्मुक्त आध्यात्मिकता का रंग लिए हुए जिस तरह के गद्य का चलन हुआ विशेष अलंकृत होकर अन्योक्ति पद्धति पर चले। अन्योक्ति पद्धति आप समझती हैं जब किसी विशेष बात से किसी अन्य तरफ इशारा किया जाता है, अन्य की तरफ उक्ति बोली जाती। नाम ज्यादातर चीजें अपने नाम में ही अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती। ब्रह्म समाज में जिस प्रकार ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार भक्ति भाव की व्यंजना के लिए पुरानी ईसाई संतों की पद्धति भी ग्रहण। ब्रह्म समाज ने क्या किया था, उसने भी अपने प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था जैसे वो लोग रखते थे, और भक्ति व्यंजना के लिए भी पुराने ईसाई संतों की ही पद्धति उसने ग्रहण। एक उदाहरण से यह भी स्पष्ट हो जाए, ईसा की 11वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत बर्नार्ड, इसके आगे ये क्या लिखा हुआ है मुझे लगता है फॉन्ट में प्रॉब्लम आ गई है, के नाम से यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्ड लिखा होगा और फॉन्ट में दिक्कत आ गई, ये आपको किताब में देखना पड़ेगा। नाम से जो प्रसिद्ध भक्त हो गए, उन्होंने दूल्हे के रूप में ईश्वर के हृदय के तीसरे कक्ष में प्रवेश का उल्लेख इस प्रकार किया है। देखिए ये संत की बात हो रही है, ईसाई संत उन्होंने किस तरह से लिखा है, ईसाई संत ने लिखा है कि ईश्वर किस तरह से दूल्हे के रूप में उनके हृदय के तीसरे कक्ष में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। यद्यपि वह कई बार मेरे भीतर आए पर मैंने ना जाना कि वह कब आए, आ जाने पर कभी कभी मुझे उनकी आहट मिलती है, उनके विद्यमान होने का स्मरण भी मुझे है, वे आने वाले हैं इसका आभास मुझे कभी कभी पहले से मिला, पर वे कब भीतर आए और कब बाहर आए इसका पता मुझे कभी न चला। इस प्रकार उस परोक्ष आलंबन को प्रियतम मान उसके साथ संयोग सहयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। रविन्द्र बाबू की गीतांजलि की रचना इसी पद्धति पर हुई है, ये आपको समझना चाहिए, पूछा जा सकता है। हिंदी में भी इस ढंग की रचनाएं हुई जिसमें राय कृष्ण दास की साधना, प्रवाल और छायावाद, वियोगी हरि जी की भावना और अंतर्नाद विशेष उल्लेख हुए। हाल ही में ही भवनलाल सिंधी ने वेदना नाम की इसी ढंग की पुस्तक लिखी है जिसकी भूमिका के लेखक है भाषा तत्व के देश प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। यह तो ही आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र से ग्रहित लाक्षणिक भाव है ना, जो आध्यात्मिक क्षेत्र से या किसी संप्रदाय विशेष के क्षेत्र से ग्रहित की हुई जो लाक्षणिक भाव है। तो बहुत कुछ अभिनय तथा अनुकृति होती है, अर्थात बहुत कम दशाओं में हृदय की स्वाभाविक कुछ भावात्मक प्रबंध लौकिक क्षेत्र को लेकर ही मासिक लौकिक क्षेत्र को लेकर, मतलब अभी जो बात हो रही थी रविन्द्र बाबू की और ये जो ऊपर कुछ कृतियां दिखाई गई ये आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हो रही थी, पारलौकिक की बात हो रही थी, लेकिन अब यहाँ
क्या है, लौकिक क्षेत्र को लेकर, सांसारिक क्षेत्र को लेकर भी मासिक पत्रों में निकलते रहते हैं, जिसमें चित्र विधान कम और कसक की वेदना अधिक रहती है ना। अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रकृति में विशेष स्थान, मनुष्य की प्रकृतिस्थ भावुकता का अनुभव हम आप भी करते हैं और दूसरों को भी कराते हुए पाते हैं। अतः ये मानव की हृदय की एक सामान्य प्रकृति। बड़े हर्ष की बात है कि अतीत के क्षेत्र में रमने वाली अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर महाराज कुमार डॉक्टर रघुवीर सिंह जी सीतापुर सीतामऊ मालवा हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए। उनकी भावना मुगल सम्राटों के कुछ अवशिष्ट चित्र सामने पाकर प्रत्यभुगा के रूप में मुगल साम्राज्य काल के सबसे मधुर भव्य जगमगाते दृश्यों के बीच कभी पतन काल के किसार निराश बेबसी की परिस्थिति बड़ी तन्मयता के साथ रमी। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहांगीर और नूर जहां की तख्ती इत्यादि पर उनके भावात्मक प्रबंध की शैली अति मार्मिक और अनूठी, जिसकी श्री रघुवीर सिंह इन्होंने मुगल सम्राटों के जो अवशिष्ट बचे हुए कुछ चित्र सामने रखकर उसके कवि बहुत मतलब उसका अच्छा रूप मधुर रूप जगमगाते हुए दृश्य हमारे सामने लेकर आए, कभी उनके पतन का विषाद निराश हमारे सामने को अपने प्रबंध में लेकर आए। गद्य साहित्य की भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का एक विशेष गद्य साहित्य भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का एक विशेष स्थान ये तो मानना ही पड़ेगा। अतः युद्ध क्षेत्र में इसका काव्य भाव का प्रसार अवश्य प्रसन्नता पर दूसरे क्षेत्रों में भी जहाँ गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है उसे घसीटे जाते देखते। गद्य के साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का एक विशेष स्थान है तो सभी लोग मानते मानना ही पड़ेगा। अतः उस उपयुक्त क्षेत्र में उसका आविर्भाव हुआ ये बहुत अच्छी बात है, सुखल जी कह रहे हैं। पर जो दूसरे क्षेत्र उनमें भी इस तरह का गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित, लेकिन उसे घसीटे जाते देखकर सुप्रीति को बड़ा दुख होता है। जो चिंतन के गुण विषय है उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। जो हमारे चिंतन के बड़े गहरे विषय उनको लेकर यदि कल्पना की खेल दिखाए जाए तो सुप्रीति कहते हैं मैं उसको उचित नहीं कह सकता। विचार क्षेत्रों के ऊपर इस भावनात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का प्रभाव पहले पहल काव्य के स्वरूप बतलाने वाले निबंध बंग साहित्य के भीतर हुआ, जहाँ शेक्सपियर की एक उक्ति गूंज रही। सबसे पहले क्या हुआ, काव्य का स्वरूप बतलाने वाले निबंधों में बंग साहित्य के भीतर, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। विचार क्षेत्रों के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का धावा कहा हुआ पहले पहल काव्य स्वरूप बतलाने वाले निबंधों में बंग साहित्य के, ठीक है। शेक्सपियर जी की उक्ति देखते हैं, सौंदर्य मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से फूलों और फूलों से स्वर्ग तक विचरती रहती। काव्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए जिसमें सिवा इसके कि कवि अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है, कविता हृदय कानन में खिली हुई कुसुम माला है, कविता देवलोक की मधुर संगीत की गूंज है और कुछ भी न मिलेगा। शुक्ल जी कह रहे हैं जाने इतने कैसे काव्य पर जाने कितने निबंध लिख दिए गए जिसमें सिर्फ यही लिखा गया, जिसका मेन अगर संक्षेप देखा जाए तो उसमें आपको सब जगह यही मिलेगा कि कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है, कविता हृदय कानन का समय के लिए हुई कुसुम माला है, देर प्रोग की मधुर संगीत और कुछ नहीं। ये कविता का ठीक ठाक स्वरूप बतलाना है कि उसकी दुर्गावली बखानना। हमारे यहाँ के पुराने लोगों ने जहाँ जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी जैसी बहुत सी दुर्गावलियां प्रचलित,
पर वे एक लक्षण स्वरूप पूछने पर नहीं कही जाती। कविता भावमयी, रसमयी और चित्रमयी होती। इससे ये आवश्यक नहीं है कि उसके स्वरूप का निरूपण भी भावमयी, रसमयी और चित्रमयी। समझिए, शुक्ल जी कह रहे हैं कविता स्वयं में तो भावमयी, रसमयी और चित्रमयी होती है, लेकिन जब हम उसके स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं तब ये जरूरी नहीं कि वो निरूपण भी भावमयी, रसमयी और चित्रमयी हो। कविता के ही निरूपण तक भावनात्मक प्रणाली का ये दावा रहता तो भी एक बात थी। कवियों के आलोचनाओं तथा और विषयों में भी इसका दखल हो रहा है, ये खट्टे। इससे हमारे साहित्य में घोर विचार शैथिल्य और बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है। मतलब विचारों में शिथिलता, अगर इस तरह का सब जगह पर चित्रमयता, भावमयता ही सब जगह फैल गई तो लोगों के सोचने समझने की गुण, विचारों पे विचार करने की क्षमता कम हो जाएगी। बुद्धि, क्योंकि वो बुद्धि से काम लेंगे नहीं, कल्पनाओं से काम लेंगे, तो बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है। जिन विषयों के निरूपण में सूक्ष्म और सुव्यवस्थित विचार परंपरा अपेक्षित है उन्हें भी हवाई शैली पर हवा बताना कहां तक ठीक होगा। शुक्ल जी का ऐसा विचार है, ठीक है, ये तो उन्होंने की। बात करते हैं समालोचक का। इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतःवृत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया। तुलसीदास, सूरदास, चायसी, दीनदयाल गिरी और कबीरदास जी की विस्तृत आलोचनाएं पुस्तकाकार और भूमिकाओं के रूप में निकली। इस इतिहास के लेखक तुलसी, सूर और जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं निकाली, जिसमें से प्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से पुस्तकाकार में छपी है। शेष दो क्रमशः अमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली की सम्मिलित है। आप समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है। स्वर्गीय लाला भगवान दीन की सूर, तुलसी और दीनदयाल दीन की समालोचनाएं उनकी संकलित और संपादित सूर पंचरत्न दोहावली और दीनदयाल गिरी ग्रंथावली में सम्मिलित। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कबीर समीक्षा, उनके द्वारा संकलित कबीर वचनावली और साथ पीताम्बर दत्त बड़वाल की कबीर ग्रंथावली के साथ सन्निविष्ट। इसके उपरांत कलम और साधनाओं का कांता समाधान था और केशव की काव्य कला, श्री कृष्ण शंकर सुख जी की कला, प्रोफेसर सत्येंद्र प्रेमचंद की उपन्यास कला, पंडित जगन्नाथन प्रसाद छात्रिज प्रसाद की नाट्य कला, अभी कलाओं और साधनाओं का कांता संबंध है ना, देखिए पद्माकर की काव्य कला, अखरी गंगा प्रसाद सिंह प्रसाद की काव्य साधना, श्री रामनाथ लाल सुमन मीरा की प्रेम साधना, पंडित भुवनेश्वर आदि पुस्तकें एक दूसरे के आगे पीछे निकली। इसमें से कुछ पुस्तकें तो समालोचना की असली पद्धति पर निर्णयात्मक, निर्णयात्मक और व्याकरण दोनों ढंग लिए हुए चली पर चली है तथा कवि के हृदय के कवि के वाह और अभ्यर्थ दोनों का अच्छा परिचय करा, जैसे केशव की काव्य कला, गुप्त जी की कला। केशव की काव्य कला की पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने अच्छा विद्वता अनुसंधान भी किया। उनका कवि पर रत्नाकर भी कवि की विशेषताओं का को अत्यधिक ढंग से सामने रखता है। पर पंडित गिरजादत्त शुक्ल की गिरीस्कृत, गुप्त जी की काव्य धारा में भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना के विविध पक्षों सूक्ष्मता और मार्मिकता से उद्घाटन हुआ है। पद्माकर की काव्य साधना द्वारा भी पद्माकर के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी दी जाती है। उधर हाल ही में पंडित राम कृष्ण शुक्ल ने अपनी सुकवि समीक्षा में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी,
भूषण, भारतेंदु, मैथिली सरंपुर और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे। निबंध लिखे। मीरा की प्रेम साधना भावात्मक है जिसमें माधव जी मीरा के भावों का स्वरूप जानकर उन भावों में आप मग्न होके दिखाई पड़ते हैं। इन सब पुस्तकों में से हमारा सचिव समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ। इसमें सतुर पंडित सांकेत प्रिय द्विवेदी जी ने हमारे साहित्य निर्माता नाम की पुस्तक लिखकर हिंदी के में कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और उनकी विशेषताओं का अपने ढंग का अच्छा आभास। ठीक ठिकाने से चलने वाली समीक्षाओं को देखकर जितना संतोष होता है कि किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना की सर्व असंपत्ति चित्रमयी कल्पना और सजावट उतनी ही ग्लानी होती। ये सजावट अंग्रेजी अथवा बंगला की समीक्षा क्षेत्र में कुछ विचित, कुछ विदग्ध, कुछ अतिरंजित चलते शब्द और बाकी लाकर खड़ी की जाती। कहीं कहीं तो अंग्रेजी कवि के संबंध में की हुई समीक्षा का कोई खंड ज्यों का त्यों उठाकर हिंदी कवि के पर गिरा दिया जाता है, मतलब कॉपी पेस्ट। समझते हैं आजकल तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कॉपी पेस्ट का चलन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ऊपरी रंग ढंग से तो ऐसे जान पड़ेगा कि कवि के हृदय के भीतर सेंध लगा कर घुसे हैं और उसके बड़े बड़े गुण कोने झांक रहे हैं, पर कवि की उद्धृत पद्यों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा कि कवि की विविचित भावों से उनके वाक्य विलास का कोई लगाव नहीं, मतलब जो वर्णन है और जो उदाहरण है पद्यों का उनमें आपस में कोई भी मेल आपको नहीं मिलेगा। पद्य का आशय या भाव कुछ और ही है, आलोचक जी उसे उद्धृत करके कुछ और ही राग अलाप है। कवि के मानसिक इतिहास का एक आरोपित इतिहास है, किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास नहीं से लेकर सामने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं। आलोचक कवि के 25-30 पद्यों का भी ठीक ठाक तात्पर्य उन्होंने समझा है, जिसकी वो आलोचना करने बैठे हैं उनके 25-30 पद्यों का भी जो सही सलामत अर्थ है क्या उन्होंने समझा है इस आलोचना को लिखने से पहले, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। ऐसे आलोचकों के शिकार छायावादी कहे जाने वाले कुछ कवि अभी कवि ही अभी हो रहे। नूतन शाखा के एक अच्छे कवि हाल ही में मुझसे मिले जो ऐसे कदरदानों से पनाह मांगते थे। सुनने में आ रहा है कि इस ढंग के ऊंचे हौसले वाले तो और आलोचक तुलसी और सूर के चारों ओर भी ऐसा ही चमकता बागजाल बिछाने वाले हैं, मतलब इनके सुनने में आ रहा है कि इस तरह की कोई भी सूर और तुलसी के बारे में भी पुस्तक आने वाली है। उस समय शुक्ल जी ने कहा, काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी थी, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में ना आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया यानी टेक्निक प्रसार की भिन्न भिन्न भूमिया सोच समझकर निर्दिष्ट की गई। केवल प्रोफेसर नगेंद्र सुमित्रा नंदन पुस्तक ही ठिकाने की मिली। बात यह है कि इधर अभिव्यंजना का वैचित्र लेकर छायावाद चला, उधर उसके साथ ही प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा यानी इंप्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म का फैशन बंगाल होता हुआ आदम का। इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने क्या कहा है, उसका भीत भाव या आशय क्या है, ये समझने समझाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इतनी है कि उसकी किसी भी रचना का जिसके हृदय पर जो भी प्रभाव पड़े उसका वह सुंदर और अनूठे पद के साथ वर्णन कर दे, मतलब उसकी कोई भी रचना आपने पढ़ी और आपके उसका क्या प्रभाव पड़ा उसको आप अपने ढंग से लिख दीजिए। कोई ये नहीं पूछ सकता कि कवि का भाव तो कुछ और है, उसका ये प्रभाव कैसे पड़ सकता है। इस प्रकार की समीक्षा का चलन ने अध्ययन चिंतन और प्रकृत समीक्षा का रास्ता ही छीन लिया है, मतलब
खावा भी व्यंजक समीक्षा को ठीक बताने की वस्तु नहीं है। मतलब जो आपके माप में आए वही कह दो, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं, न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य, न भाव के क्षेत्र, उसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। ये लाइनें शुक्ल जी की आप दिमाग में रखिएगा, वो प्रभावा भी व्यंजक समीक्षा को बिल्कुल उचित नहीं मानते। मतलब जो आपने समझा, आपने क्या समझा उनकी प्रकृतियों से, वो आप अपने ढंग से लिख दो, भले ही आपने सही से समझाओ या नहीं समझा, शुक्ल जी इसको उचित नहीं मानते। किसी कवि की आलोचना कोई इसलिए बैठने पड़ता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठीक ठाक हृदयंगम करने का में सहारा है, इसलिए नहीं कि आलोचना की भाव महिमा और सजीव पर व्यास द्वारा मनोरंजन करे। मतलब जब कोई किसी की कवि की आलोचना पढ़ने बैठता है ना, तो उसके दिमाग में यही होता है कि वो उस कवि को अच्छे से जाने, उस कृति के बारे में अच्छे से समझे, उसका सारांश समझे, उसका जो मतलब केंद्रीय विचार है वो समझे। वो मनोरंजन करने या सजीले पद विन्यास देखने नहीं बैठे। यदि किसी रमणीय अर्थगर्भित पद्य की आलोचना इस रूप में मिले कि एक बार इस कविता के प्रवाह में पढ़कर बहना ही पड़ता है, स्वयं कवि को भी दुविधा के साथ बहना पड़ा है कि एकाधिक बार मयूर की भांति अपने सौंदर्य पर आप ही नाच होता है, तो उसे लेकर कोई क्या है। मतलब इस तरह की आलोचना पढ़कर कोई क्या है। सारे यूरोप की बात छोड़िए, अंग्रेजी के वर्तमान समीक्षा क्षेत्र में ही प्रभावाभिव्यंजक और समीक्षा की निस्सारता प्रकट करने वाली पुस्तकें बराबर निकल रही। मतलब स्वयं अंग्रेजी के समीक्षा क्षेत्र में भी इस तरह का इसको स्वीकार नहीं करा जा रहा है, इसको निस्सारता प्रकट करने वाली पुस्तकें बराबर आ रही है। इस ढंग की समीक्षाओं में प्राय भाषा विचार पाठक बनकर आखड़ी होती, लेखक का ध्यान शब्दों की तड़कड़, उनकी आकर्षक योजना, उनकी युक्ति के चमत्कार आदि में उलझा रहता है, जिसके बीच स्वच्छ विचारधारा के लिए जगह नहीं। विशुद्ध आलोचना के क्षेत्र में भाषा की क्रीड़ा किस प्रकार बाधित हुई है, कुछ बांधे हुए शब्दों और वाक्य किस प्रकार विचारों को रोके रहे हैं, ऐसी बातें जिनकी कहीं सत्ता नहीं, किसी प्रकार घने वाक जाल के भीतर से भूत बनकर झांकती रही। यह दिखाते हुए 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समालोचना तत्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता प्रकट की। उस समालोचना तत्वज्ञ के नाम नहीं दिया सकते। यहाँ हमारे यहाँ पुराने व्याख्याताओं टीकाकारों की अर्थ क्रीड़ा बड़ी प्रसिद्ध, किसी पद्य और पद्य का और अर्थ करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। तुलसी दादाजी की चौपाइयों के 20-20 अर्थ करने वाले अभी मौजूद हैं। अभी थोड़े दिन हुए हमारे एक मित्र ने सारी बिहारी सतसई की शांत रस परक अर्थ करने की धमकी दी थी। फारसी के हाफिज आदि शायरों की श्रृंगारी उक्तियों के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि अरबी फारसी के कई पहुंचे हुए विद्वान के आध्यात्मिकता स्वीकार नहीं करते, इस पुरानी प्रवृत्ति का नया संस्करण भी कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा। गोविंद बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल से कुछ संस्कृत काव्यों की समीक्षा करते हुए कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थ की योजना की। प्राचीन साहित्य नाम की पुस्तक में मेघदूत आदि का जो निबंध है उसमें यह बातें नहीं। काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम के सारे आख्यान का आध्यात्मिक पक्ष निरूपित किया था। इस संबंध में हमारा यही कहना है, इस प्रकार की प्रतिभा पूर्ण कृतियों का अपना एक अलग है, वे कल्पना साहित्य के अंतर्गत अवश्य है पर विशुद्ध समालोचना के रूप में नहीं आ सकते। आप उन्हें कल्पना साहित्य के क्षेत्र में रख सकते हैं, समालोचना के क्षेत्र में नहीं रख सकते। यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। भारतीयों की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता के चलते
पश्चिम में बहुत हुआ करती। इस चर्चा के मूल में कई बातें, एक तो ये शब्द हमारी अकर्मण्यता और बुद्ध शैथिल्य पर पड़ता रहा। देखिए मधुर जी कह रहे हैं ये आध्यात्मिकता हमारी अकर्मण्यता और हमारी बुद्ध शैथिल्य पर पड़ता रहा। अतः चर्चा या तारीफ करने वालों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ये पर्दा पड़ा। दूसरी बात यह है कि ये शब्द पूर्वी और पश्चिमी जातियों के बीच एक ऐसी सीमा मान जिसमें पश्चिम में हमारे संबंध में एक प्रकार का कौतूहल सजाकर रहता है और हमारी बातें वहां अनूठे पद के साथ कही जा सकती। तीसरी बात यह है कि आदि भौतिक संप्रति हेतु भाषण संघर्ष सैकड़ों वर्ष तक यूरोप में रहा। उससे क्लान और शिथिल होकर बहुत से लोग जीवन के लक्ष्य कुछ परिवर्तन चाहने लगे और शांति और विश्राम के अभिलाषी हुए। साथ ही साथ धर्म और विज्ञान का झगड़ा भी बंद हुआ। अतः यूरोप में आध्यात्मिक चर्चा बढ़ी। वह विशेषता प्रतिवर्तन यानी रिएक्शन स्वर्गीय साहित्याचार्य पंडित रामावतार पांडे और पंडित चंद्रधर गुलेरी जी इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत घबराया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कौन घबराता था इस प्रकार की आध्यात्मिकता के चर्चे से, पंडित रामावतार पांडे जी और पंडित चंद्रधर गुलेरी जी। ठीक है, अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसके आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, है ना। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट्स के लिए बहुत 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 धन्यवाद। दिल से धन्यवाद आप सभी को, आपके ये कमेंट्स एक नया संचार कर देते हैं, मेरी ऊर्जा बढ़ा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।